हे गाइस, हाउ यू डूइंग। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, आज हम लोग उसके पार्ट टू पे फोकस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप्स। तो यार, एक बिजनेस में ना बहुत मेरिट्स होते हैं और बहुत डीमेरिट्स भी होते हैं। तो चलो वन बाय वन, एक एक करके सारे के सारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप से। ओके, सो सबसे पहला होता है क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग मतलब बहुत ही जल्दी कोई भी डिसीजन बनना, क्योंकि ओनर एक ही होता है, इसीलिए कोई सा भी डिसीजन बहुत ही जल्दी आता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। सेकेंड पॉइंट होता है इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत ही मुश्किल से ही कोई ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें कुछ लाइसेंस लगे या फिर प्रोसेस जिसका लंबा हो, इसलिए इसका फॉर्मेशन बहुत ही ईजी होता है। सेम टाइम पे क्योंकि ओनर एक ही होता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो जब चाहे अपना बिजनेस डिसॉल्व कर सकता है, इसलिए इसका डिसॉल्यूशन भी फास्ट होता है। दैट इज़ व्हाई द सेकंड मेरिट इज़ इजी फॉर्म एंड इजी डिसॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट आता है पर्सनल टच। यहाँ पे जो ओनर होता है ना, वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है अपने कस्टमर्स से, इसलिए वो डिमांड्स के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स रख सकता है या फिर ऐसे प्रोडक्ट रख सकता है जो उसके कस्टमर्स को ज़्यादा पसंद है, जिससे उसके बिजनेस में उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो। सो पर्सनल टच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो ज़्यादातर एक सोल प्रोप्राइटरशिप में ही एक ओनर इन्जॉय कर सकता है। द फोर्थ पॉइंट इज मैक्सिमम इंसेंटिव। इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिवॉर्ड्स एंड एफर्ट्स। इसका मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा आप एफर्ट लगाओगे उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। स्पेसिफिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता ही है, क्योंकि एक ही ओनर होता है तो वो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना इंसेंटिव मिलेगा, जिसको उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना है। हैंस देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिवॉर्ड्स एंड एफर्ट्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि है सीक्रेसी या फिर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, एक बंदा है जो बिजनेस हैंडल कर रहा है, उसको बस खुद पे कंट्रोल रखना है अपनी सीक्रेसी मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि जब तक वो किसी से शेयर नहीं करेगा बिजनेस के बारे में, किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम लोग डिसएडवांटेजेस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भी पांच डिसएडवांटेजेस हैं जो हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। सो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, वो होता है लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि एक बंदा होता है जो बिजनेस हैंडल कर रहा है, अब भैया वो कितना ही रिसोर्सेस ला के देगा, एक इंसान कितना ही कुछ कर सकता है। वो हर काम कर रहा है बट अपनी एफिशिएंसी से कर रहा है, अपनी लिमिट से कर रहा है। इसलिए बोलते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्योंकि करने वाला एक ही होता है, इसलिए उसके पास रिसोर्सेस भी कम होते हैं। एंड सेकेंड डिसएडवांटेजेस जो हम लोग को यहाँ देखने को मिलता है, वो होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, मतलब बिजनेस में कितना भी लॉस हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की होती है। इवन अगर बिजनेस में इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर सके, तो ओनर ही लाइबल होगा उन लाइबिलिटीज़ को अपने पर्सनल डेट्स को बेच के पे ऑफ करने के लिए। यहाँ पे जो थर्ड डिसएडवांटेज होता है, वो है लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। क्योंकि ओनर एक ही है और सारा बिजनेस उसी पे डिपेंडेंट है, इसलिए अगर उसको कुछ हो जाता है और किसी भी केस में अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो एबल नहीं है अपना बिजनेस हैंडल करने के लिए, तो बिजनेस वहीं पे बंद हो जाएगा और बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। फिर यहाँ हमारा आता है फोर्थ डिसएडवांटेज, लैक ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज। तो क्योंकि यहाँ पे ओनर एक ही है, हमारे पास स्किल्स और एक्सपर्टीज़ की कमी हो सकती है, क्योंकि एक बंदे को क्या पता कितना पता है। ओके, और वहीं अगर लोग तीन या चार हों तो इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि स्किल्स और जो भी अपने रिसोर्सेस लाएंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। दैट इज़ वाई यहाँ पे हम लोग को लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ एंड स्किल्स देखने को मिलता है। और फाइनली जो पाँचवा और आखिरी डिसएडवांटेज हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, वो है रिस्क ऑफ रॉन्ग डिसीजन। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि यहाँ पे जो ओनर होता है उसको रिस्क होता है रॉन्ग डिसीजन लेने का, क्योंकि वो एक अकेला है, उसको कोई ये बोलने वाला नहीं है कि भाई ये डिसीजन ना तेरा गलत हो सकता है, बिजनेस पे बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। दैट इज़ वाई अगर उसने रॉन्ग डिसीजन लिया तो उसके सर्कमस्टेंसेस फिर उसको ही भुगतने पड़ेंगे, और यहाँ पे ये एक डिसएडवांटेज की तरह बन के आता है। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। और अब हम लोग अपने नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस पे डिस्कशन करेंगे, जो कि है द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।
सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी बोलते हैं। शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। सो ये एक ऐसा बिजनेस है जो इंडिया में ही देखा जाता है, क्योंकि नाम ही सजेस्ट करता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये हिंदू फैमिलीज करती हैं। इसका सोर्स ऑफ मेंबरशिप जो होता है वो बाय बर्थ होता है, और 3 generations इसकी मेंबर बन सकती हैं। ये पूरा बिजनेस हेड ऑफ़ द फैमिली से मैनेज किया जाता है, मतलब जो भी इस फैमिली का हेड होता है उसको हम कर्ता बोलते हैं, और वही ये सारा का सारा बिजनेस हैंडल करते हैं, वही डिसीजन लेते हैं। एट द सेम टाइम जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो को पार्टनर्स बुलाए जाते हैं। ध्यान रखें, को पार्टनर्स ना कि को पार्टनर्स। लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ HUF। तो इसका फर्स्ट फीचर है फॉर्मेशन। सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ HUF देयर शुड बी एटलीस्ट 2 male members इन द फैमिली टू फॉर्म HUF। एक्सटर्नल प्रॉपर्टी शुड हैव बीन इनहेरिटेड बाई मेम्बर्स ऑफ HUF। सारे मेम्बर्स इस प्रॉपर्टी को इन्जॉय करते हैं और इस पर इक्वल शेयर्स और राइट्स होते हैं, और कोई भी न्यू मेम्बर अगर इस फैमिली में पैदा होता है तो वो डायरेक्टली HUF का पार्ट होता है, यानी मेम्बर होता है। इसलिए इसमें किसी भी टाइप की एग्रीमेंट या मेम्बरशिप डीड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड एज डिस्कस सेकेंड पॉइंट भी यही बोलता है कि माइनर मेंबर्स, यानी वो इंसान जिसने फैमिली में बर्थ लिया है वो बर्थ के साथ ही इसका मेंबर होता है। दैट इज़ वाई माइनर मेंबर्स आर अवेलेबल इन HUF। द थर्ड पॉइंट इज अबाउट लाइबिलिटी। जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सब की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। एट द सेम टाइम जो हमारे कर्ता होते हैं, जो बिजनेस हैंडल करते हैं, वो अकेले होते हैं जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। द फोर्थ पॉइंट इज अबाउट कंट्रोल। तो HUF में जो कंट्रोल होता है वो कर्ता का होता है, उन्हीं की अथॉरिटी होती है, वही बिजनेस मैनेज करते हैं और वही सारे के सारे डिसीजन लेते हैं। एंड अबाउट कंटिन्यूटी विच इज़ आर फिफ्थ पॉइंट। तो HUF को कभी भी किसी भी मेंबर के छोड़ने से या डेथ हो जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। इवन अगर कर्ता की भी डेथ हो जाती है तो जो भी नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होते हैं वो कर्ता बन जाते हैं। हाउएवर अगर फैमिली में सब ने म्यूचुअली डिसाइड किया है बिजनेस बंद करने का, तो बिजनेस बंद किया जा सकता है।